दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इसका एक टुकड़ा सोने चांदी हीरे मोती से भी बहुत ज्यादा कीमती है। आपको पता नहीं, शायद लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, अर्थात सभी लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस पौधे को आपको ध्यान से देखना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनने की कोशिश करना है, देखने और समझने का प्रयास करना है। इस पौधे की मैं आप लोगों को जो दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग है वो बताऊंगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। ये पौधे हमारे लिए हीरे मोती सोने चांदी से भी कीमती है। आज मैं आप लोगों को इसके 15 दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो ये पौधे की जड़ कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं, जबरदस्त चमत्कारी पौधे हैं। ये अपने अंदर में चमत्कार को लिए हुए हैं और ये दिव्य पौधे हैं और ये दिव्य पौधों की श्रेणी में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, प्राचीन समय में जब जानवरों को गोली लग जाती थी, प्राचीन समय में राजा महाराजा बाण या तीर से जब जानवरों को मारा करते थे, जब जानवरों के शरीर में जहर लग जाता था, तो जितने भी जंगल के जानवर हैं, सब इसके नीचे में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस पौधे के नीचे में आकर के बैठने से बिल्कुल ही कैसा भी जहर हो, जानवरों को जहर लगा हो, वो समाप्त हो जाता है। इस पौधे का नाम मैं आपको बताऊंगा। आप लोग इसके पत्ते भी स्पष्ट देख सकते हैं। इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को भी बताऊंगा। आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको समझना है। बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे हैं। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये पलाश के पत्ते की तरह है। इसका नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जंगली इलाके से हैं तो बिल्कुल ही आप इसे भली भांति समझते होंगे। दोस्तों, इसका जो बेनिफिट बताऊंगा, फायदे बताऊंगा, बिल्कुल ही जबरदस्त फायदे हैं, चमत्कारी गुण से भरे हुए फायदे हैं, और इसके छाल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी बारी बारी से प्रयोग बता दूं। इससे पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सच्चे हृदय से जितना ज्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, इस प्रकार से इसकी छाल है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से इसकी छाल है, ये सूखा छाल है। दोस्तों, सांप के काटने पर इसकी छाल को पिलाने से 101% सांप का जहर समाप्त हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी इसकी छाल को पीस करके जब किसी को सर्प काट जाता है तो पिलाया जाता है। केवल इसकी तीन ही खुराक से कैसा भी सांप का जहर हो, सांप का जहर समाप्त हो जाता है, सांप का विष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे के नीचे अगर जहर खाए हुए व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो बिल्कुल ही ये जहर को समाप्त कर देता है। कैसा भी जहर खा लिया हो, ये जहर को समाप्त कर देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है अगर कोई शराबी ज्यादा शराब पी ले तो इसके पेड़ के पास में लिटा देने से या फिर इसके नीचे में बैठा देने से शराब का जो असर होता है तुरंत खत्म हो जाता है। दोस्तों, ला इलाज गंभीर बीमारी को भी इसका चूर्ण ठीक कर देता है। जैसे कि बहुत से लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% काम करे, लेकिन कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी ये ठीक करने का काम करती है। इसकी छाल आप किसी नुकीले पत्थर द्वारा निकाल सकते हैं। जब भी हम पेड़ पौधे की छाल निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधे की छाल निकाल रहे हैं तो पत्थर से ही मार करके छाल निकाली जाती है, और जितनी छाल की जरूरत हो उतनी ही छाल निकालें, उससे अत्यधिक ना निकालें, क्योंकि हमें इस प्रकार के पेड़ पौधों को, इस प्रकार के दिव्य पौधों को वातावरण में बना करके रखना है। हमें अपनी इस धरा पे, ये अमूल्य है, हमें इसे बचा करके रखना है। इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधों को हमें भारत भूमि से समाप्त नहीं होने देना है। तो जितनी आपको जरूरत पड़े उतना ही इस प्रकार के पेड़ पौधे की आप जो है छाल को एकत्रित करें, आवश्यकता से ज्यादा ना करें, जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग में लाइए। दोस्तों, आइए इसके कुछ और प्रयोग भी बता दूं। तो ताबीज में इसकी कुछ छाल को पहनने से, चांदी की ताबीज में, अब आप कहेंगे गुरुजी आप चांदी का ताबीज ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि चांदी के ताबीज में प्रभाव कुछ ज्यादा रहता है,
तो चांदी के ताबीज में इसकी छाल को अगर डाल करके पहना जाए, सोमवार के दिन में भगवान शंकर जी के शिवलिंग में टच करा दीजिए। दोस्तों पहले आप चांदी के ताबीज में इसे भर लें और भगवान शंकर की शिवलिंग में टच करा करके किसी को अगर आप पहना देते हैं तो बिल्कुल ही सर्प नहीं काटता, सांप भूलकर भी नहीं काटता, सामने वाले व्यक्ति को कभी सर्प नहीं काटेगा। दोस्तों इसके छिलके अगर घर में रखे जाए, अर्थात घर के दरवाजे के पास में रखा जाए, तो सर्प कभी आपके घर में नहीं आएंगे। सर्प, बिच्छू, यहाँ तक कि जितने भी विषैले जीव जंतु कहे गए हैं, कभी इसे लांग करके आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप कीड़ों से बहुत डरते हैं, कोई दवा काम नहीं आ रही, तो ये प्रयोग जरूर करिएगा, 100% लाभ मिलता है। दोस्तों मदिरा को ये पानी बना देता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में मदिरा को अर्थात शराब को पानी बनाने के लिए, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। तो मदिरा को पानी बनाने के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुनना। तो ग्रामीण इलाकों में जैसे कोई व्यक्ति शराब निकालता है, तो उनके घर में इसकी छाल को फेंक देने से ये शराब को पानी बना देता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है, तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि शराब की भट्टी में इसकी छाल को फेंक देने से पूरी शराब की भट्टी में जितनी भी शराब वहाँ पर बन रही है, सबको ये पानी बना देता है। बिल्कुल भी शराब की जो एक प्रकार की अल्कोहलिक क्षमता होती है नशा करने की, उसे समाप्त कर देता है, पानी बना देता है। दोस्तों अगर इसके छाल को पीस करके पाउडर बना लिया जाए, इसके छाल को देख सकते हैं, इसके छाल को पीस करके पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर को अगर घर के पशु के घाव हो उसमें बांधा जाए, तो 101% पुराने से पुराने घाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जीवाणु एवं कीटाणु को मारने का काम करते हैं। अगर बिच्छू ने काटा है या फिर जहरीले बिच्छू ने काट लिया है, तो इसकी छाल को खिला देने से तुरंत ये जहर को खींच लेती है और इसी के साथ इसकी छाल को पीस करके जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा हो उस हिस्से में बांध दीजिए। इसकी सूखी छाल भी पानी में घिसकर भी आप बांध सकते हैं, तो कैसा भी बिच्छू का जहर हो तत्काल समाप्त हो जाता है। ताबीज में भरकर इसे पहनने से जहरीले कीड़े, सर्प, बिच्छू एवं आपको जितने भी जहरीले जीव जंतु से डर रहता है, वो आजीवन आपको नहीं काटेंगे। ये भी माना जाता है भूत बाधा, प्रेत बाधा, सर्प बाधा और पितृ बाधा, इससे बचने के लिए अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, तो इसकी छाल अपने पूजन घर में जरूर रखें, अपने घर में जरूर रखें। जिस घर में इसकी छाल होती है उस घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा, सर्प बाधा एवं पितृ बाधा कभी नहीं सताती। दोस्तों हम वीडियो के आखिरी में इसका नाम भी बताएंगे, तो आप इसका नाम जरूर जानें। अगर पति शराब पीता हो, किसी माता बहन के पति शराब पीते हैं, तो चुपके से तकिए के नीचे इसके टुकड़े को रख दें, तो बिल्कुल ही शराब के नशे को खत्म कर देता है। धीरे धीरे बिल्कुल ही शराब के नशे को खींच लेगा और इसका प्रभाव थोड़ा सा जल्दी होता है। और अगर सामने वाला व्यक्ति डेली शराब पी रहा है, तो इसके छोटे से टुकड़े को आप उनके तकिए के नीचे रखें, धीरे धीरे वो शराब पीना छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा को समाप्त करता है। सामने वाले की रुचि, जैसे शराब अत्यधिक पीते हैं तो शराब पीना इसके प्रयोग से धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, उन्हें कुदरती शराब से डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। दोस्तों इसके चूर्ण को खाने से शराबी व्यक्ति शराब पीना बंद कर देता है। बहुत से लोग शराब छोड़ाने की दवा देते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप चाहें तो चुपके से खाने में इसके पाउडर को मिला करके भी दे सकते हैं। थोड़ा सा इसके पाउडर को मिला करके देना होता है, तो सामने वाले व्यक्ति को कितना भी शराबी क्यों ना हो, इसके प्रयोग से धीरे धीरे शराब पीना बंद कर देते हैं। इसी के साथ अगर इसे चाय में डाल करके पिलाया जाए, तो शराब और चाय में अगर इसे डाल करके पिलाया जाए, तो जो व्यक्ति शराब पिएगा उसे शराब का नशा नहीं होगा, अर्थात शराब की जो एक प्रकार की क्षमता होती है, एक प्रकार का नशा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ता और धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति शराब पीना स्वतः ही बंद कर देता है। अगर आप इसे चाय के साथ में डाल करके पिलाते हैं चुपके से, बस इसके बारे में आपको बताना नहीं है, तो शराबी व्यक्ति शराब पीना धीरे धीरे छोड़ देता है। तो आप सभी लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि इस पौधे का आखिर नाम क्या है। इस पौधे को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पौधे को विषनाशक बूटी के नाम से जाना जाता है, इसे दमन के नाम से भी जाना जाता है, इसे कई जगह दही मन भी बोला जाता है, ज्यादातर सभी जिलों में इसे दही मन के नाम से ही जाना जाता है। और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों समस्त पेड़ पौधों में भगवान कृष्ण वास करते हैं,
कोई भी पेड़ पौधे को जब आप तोड़े या पुष्प तोड़े तो भगवान कृष्ण का नाम अवश्य ले लेना चाहिए, इससे आपको पाप नहीं लगता। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण एक लाइक तो बनता है।